बिहार की राजनीति वाकई बहुत दिलचस्प है। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में जैसे ही देरी हुई, विपक्ष के लोग भी यहां पर संभावनाएं तलाशने लगे, जिसमें आरजेडी भी अब पीछे नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। आज नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे तो सभी अटकलें लगा रहे थे कि जदयू और बीजेपी में खटपट चल रही है। जहां जदयू कह रही है कि उसे 17 से 18 सीटें चाहिए, तो वहीं बीजेपी अड़ी हुई है कि वो 22 सीट पे अपने मंत्रियों को उतारेगी, जिसको लेकर के मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही थी। अब ऐसा कहा गया कि जनवरी यानी कि 15 जनवरी के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। पटना एयरपोर्ट के हमको चाहिए विभिन्न देखा तो कहा हमने कि कल सवेरे जाकर फिर देखेंगे। उनका जो प्रस्ताव है, उनका जो डिमांड है, वो हमको देखने के बाद जस्टिफाइड लगा है और इसके लिए जो कुछ भी है उसके लिए राज्य सरकार कार्रवाई आवंटित कर सके, ताकि जो मौसम तो जानते ही जो होता है, तो उसके हिसाब से उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी इस्टेब्लिश करेंगे। और कई तरह से कोई अगर कोई ऐसी बात हो गई तो उसको उसके लिए वैसे एयरपोर्ट अलग रखना चाहेंगे तो उसके लिए भी जगह उनको हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी काम हैं सब काम यहाँ पर और ज़्यादा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज का आना जाना इसी को देखते हुए हम देखने आए थे, क्योंकि पहले भी हम सब देखते जब उनका प्रस्ताव अचानक कल हमारे पास सामने आया तो हमने कहा कल सुबह चल करके देखेंगे। फार्मर प्रोटेस्ट का 18वां दिन है, वैशाली में तो इतना दिन से काम चल रहा था, देखेंगे नहीं। अब आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दिया है। ऑफर है आरजेडी में शामिल हो जाने का। वो कह रहे हैं कि कठपुतली बन के एनडीए गठबंधन में रहने से बेहतर है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आरजेडी वही पार्टी है जिसने लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार को बॉयकॉट किया था। तेज प्रताप यादव ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को बॉयकॉट किया था, अपने दफ्तर और अपने आवास के बाहर पर्चा चिपकाया था कि चाचा नो एंट्री, जिसके बाद मीडिया में ये खबर खूब सुर्खियां बनी थी। अब आरजेडी भी अपने बयान से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जैसे ही देरी हुई, विपक्ष भी कई संभावनाओं को यहां पे तलाशना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, जिसमें बीजेपी कोटे से 7 और जदयू के कोटे से 5 थे। वहीं मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को एक एक जगह मिली थी। बाद में जदयू के कोटे से शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद अब नीतीश कुमार के अलावे कैबिनेट में 13 मंत्री ही बचे हैं। उसके बाद लगातार प्रेशर है नीतीश कुमार और साथ ही एनडीए गठबंधन पर भी कि किस तरह का मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन जदयू और बीजेपी के खटपट की वजह से अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ा बयान आना अलग ही राजनीति संभावनाओं को पैदा कर रही है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।